तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गोकू की अब तक की सारी फॉर्म्स के बारे में और उसने ये कैसे अचीव की है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे गोकू की सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली फॉर्म जिसका नाम है ड्रिप गोकू, जो कि एक फैन मेड है। लेकिन ड्रिप गोकू का भी एक छोटा सा लोर है और ये कितनी पावरफुल है आपको गोकू की सारी फॉर्म्स के साथ साथ ड्रिप गोकू के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बोलना चाहूंगा आज की इस वीडियो का लाइक एम है 2K लाइक्स का। अगर आप सच्चे ड्रैगन बॉल फैंस हैं तो इस वीडियो पे 2K लाइक्स जरूर करा देना, चाहे इस पे कामयाबियां मारो या फिर हकाई करो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ड्रैगन बॉल से रिलेटेड कमाल की चीजें लाता रहूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली गोकू की फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो वो है ग्रेट एप गोकू। तो जैसे कि आपको पता है कि सेंस जब फुल मून को देखते हैं तो वो एक ग्रेट एप में बदल जाते हैं और ये फॉर्म उसने ड्रैगन बॉल में अचीव किया था। तो जब गोकू फुल मून को देख लेता है तो वो एक ग्रेट एप में बदल जाता है और इस फॉर्म में गोकू को अपने पे जरा सा भी कंट्रोल नहीं रहता। इसके चलते वो अपने मास्टर ग्रैंडपा गोहान को मार देता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडपा गोहान गोकू की टेल को काट देते हैं जिससे वो वापस ये ग्रेट एप वाली फॉर्म को हासिल ना कर सके। और हमें इससे ये पता लगता है कि सेंस की टेल अगर काट दी जाए तो वो वापस ग्रेट एप नहीं बन सकते। लेकिन वो अगर अपनी टेल के साथ इसको कंट्रोल करना सीख गए तो वो एक न्यू फॉर्म भी अचीव कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। अब हम आते हैं गोकू की नेक्स्ट फॉर्म पे जो कि है कायोकेन। गोकू जब सेक्रीफाइस हुआ था रेडिट से तो गोकू अदर वर्ल्ड में चला जाता है और वो किंग काई से कायोकेन सीखता है और इस फॉर्म में गोकू की ऑरा पूरी रेड हो जाती है। और ये फॉर्म की एक बात ये है कि कुछ वक्त के लिए गोकू की ताकत मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेजेस भी है कि इसमें यूजर की लाइफ रिस्क पे हो जाती है और इसको अगर हद से ज्यादा यूज कर ली तो वो मर भी सकता है और इसको ज्यादा देर तक बॉडी हैंडल भी नहीं कर सकती। और गोकू का जब वेजिटा से फाइट हुआ था तो वो इसको टाइम्स 4 तक ले जाता है और वेजिटा को हरा देता है। लेकिन कायोकेन को ज्यादा यूज करने से वो अपनी बॉडी को हिला तक नहीं पा रहा था। तो हमें यहीं से पता चलता है कि कायोकेन जो है वो कम टाइम में गोकू को पावरफुल तो बना देती है लेकिन कुछ रिस्क के साथ भी आती है। और कायोकेन खत्म होने के बाद गोकू को इसके साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ते हैं। अब हम आते हैं गोकू की नेक्स्ट फॉर्म पे जो कि है इम्परफेक्ट सुपर सेन या हम कहे फॉल्स सुपर सेन, जो कि हमें लॉर्ड स्लग वाली मूवी में देखने को मिली थी जहां गोकू लॉर्ड स्लग से लड़ते वक्त इसको यूज करता है। मानता हूं दोस्तों वो एक नॉन कैनन मूवी है लेकिन इसको बनाने वाले उसी कंपनी के लोग थे जिन्होंने ड्रैगन बॉल सीरीज को बनाया है। तो इस फॉर्म में गोकू की ऑरा पूरी गोल्डन जैसी होती है और इसमें गोकू की पूरी बॉडी बफ सी हो जाती है और हेयर ब्राउन से होते हैं और आईज व्हाइट होती है। और इस फॉर्म में गोकू को अपने पे थोड़ा बहुत कंट्रोल नहीं रहता और इसमें जो गोकू की होती है वो भी अनस्टेबल होती है। इस फॉर्म से वो लॉर्ड स्लग को हरा देता है और उसके बाद गोकू को हमने ये फॉर्म को कभी भी यूज करते हुए नहीं देखा। अब हम आते हैं गोकू की नेक्स्ट फॉर्म पे जो कि है द लेजेंडरी सुपर सेयन 1। और ये गोकू ने तब अचीव की थी जब फ्रीजा ने क्रिलिन को उसके आंखों के सामने मार दिया था। तो गोकू रेज में अपने को पुश करके सुपर सेयन फॉर्म को हासिल किया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गोकू सुपर सेयन वर्सेस फ्रीजा का जो बैटल थी वो ड्रैगन बॉल जी की लॉन्गेस्ट फाइट्स में से एक है। सुपर सेयन फॉर्म में गोकू बहुत ही पावरफुल हो जाता है जिससे वो फ्रीजा को आराम से हरा देता है। अब हम आते हैं गोकू की नेक्स्ट फॉर्म पे जो कि है सुपर सेयन ग्रेट 2 या हम कहें सुपर सेयन 2 का इम्परफेक्ट वर्जन। जब सेल सागा में गोकू की सुपर सेयन 1 सेल को हराने के लिए इतनी इनफ नहीं थी तो वो अपने को गोहान के साथ हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में ट्रेन करके वो इसको अचीव करता है। और हम देख सकते हैं कि गोकू इसमें मसल पूरे फूल चुके हैं। इस फॉर्म में उसकी ताकत और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है लेकिन दूसरी तरफ इसमें मूवमेंट और स्पीड काफी कम हो जाती है। और इस फॉर्म के बारे में डिसएडवांटेजेस हमें तब पता चलती है जब ट्रंक्स ने ये फॉर्म को सेल से लड़ते वक्त यूज किया था और वेजिटा ने भी। वो स्लो मूवमेंट और स्पीड के चलते वो सेल को हरा नहीं पाता। अब हम आते हैं गोकू की नेक्स्ट फॉर्म पे जो कि है मास्टर्ड सुपर सेयन। तो जब गोकू ने अपनी ट्रेनिंग गोहान के साथ पूरी
की थी हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में, तो गोकू ने सुपर सैयन 1 को पूरा मास्टर कर लिया था। इस फॉर्म में गोकू ने अपने को काफी टाइम तक रखा था ताकि उसकी बॉडी इससे यूज्ड टू हो जाए और उसकी ताकत कहीं गुना ज्यादा बढ़ गई थी। और उसने ये फॉर्म सेल से लड़ते वक्त यूज किया था, जहां वेजिटा सेल को सुपर सैयन 1 में टच नहीं कर पा रहे थे, वहीं गोकू ने मास्टर सुपर सैयन को अचीव करके सेल को बहुत ही टक्कर का मुकाबला दिया था। इवन गोकू सेल को मास्टर सुपर सैयन में हरा भी देता, लेकिन वो अपने को होल्ड बैक कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ गोहन। अब हम आते हैं गोकू की नेक्स्ट फॉर्म पे, जो कि है सुपर कायोकेन। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये एक फिलर एपिसोड में इंट्रोड्यूस हुआ था, या हम कह सकते हैं नॉन कैनन। तो जब गोकू अपने को सैक्रिफाइस करता है सेल के साथ, तब वो जाता है अदर वर्ल्ड में। तो गोकू को वहाँ पे बहुत सारे इलीट फाइटर्स मिलते हैं और उनमें से एक का नाम होता है पाइकॉन, और अदर वर्ल्ड के लोग वहाँ एक टूर्नामेंट कराते हैं। और जब गोकू का फाइट पाइकॉन से होता है, तो वो अपने सुपर सैयन को कायोकेन के साथ मिक्स करके वो सुपर कायोकेन फॉर्म बनाता है, और उसकी ताकत सुपर सैयन 2 के आसपास पहुंच जाती है, लेकिन वो इसको ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाता कायोकेन होने के वजह से। अब हम आते हैं गोकू की नेक्स्ट फॉर्म पे, जो की है सुपर सैयन 2। और गोकू ने फॉर्म को 7 साल के ट्रेनिंग के बाद अचीव किया था, और सुपर सैयन 2 जो है वो गोकू की बेस फॉर्म से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होती है, और सुपर सैयन 1 से अगर हम कंपेयर करें तो उससे वो 2 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। और इस फॉर्म में हम देखते हैं गोकू की ऑरा के पास पूरा इलेक्ट्रिक सा ऑरा आ जाता है, और बाल और स्पाइकी से हो जाते हैं। और ये फॉर्म गोकू तब यूज करता है जब वो माजिन वेजिटा से फाइट करता है। अब हम आते हैं गोकू की नेक्स्ट फॉर्म पे, जो की है सुपर सैयन 3, जो की यार मेरी क्या आप सभी की फेवरेट होगी। इवन इसका ये सीन जब वो सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, सच में अभी भी ये सीन जब भी मैं देखता हूँ तो गूस बम्स आ जाते हैं। ये फॉर्म उसने माजिन बू से लड़ते वक्त यूज किया था, और ये फॉर्म भी गोकू ने उसी 7 साल के ट्रेनिंग के बीच अचीव किया था। इस फॉर्म में उसकी आईब्रो गायब हो जाती है और बाल बहुत लंबे हो जाते हैं, और इस फॉर्म में उसकी ताकत सुपर सैयन 2 से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन गोकू अदर सुपर सैयन फॉर्म्स की तरह सुपर सैयन 3 को मास्टर नहीं किया है। और दूसरी बात ये है कि सुपर सैयन 3 बहुत ज्यादा एनर्जी कंजप्शन करता है, इसी वजह से वो इस फॉर्म को ढंग से मेंटेन नहीं कर पाया है, और गोकू इस फॉर्म को बहुत ही कमी यूज करता है। अब हम आते हैं गोकू के नेक्स्ट फॉर्म पे, जो कि है सुपर सैयन 4। सुपर सैयन 4 वैसे नॉन कैनन है, लेकिन इसको जिसने बनाया था, या हम कहे ड्रैगन बॉल GT जिसने बनाया था, वो सेम ही कंपनी ने बनाया था जिसने ड्रैगन बॉल की सीरीज बनाई है। सुपर सैयन 4 का कॉन्सेप्ट बहुत ही कमाल का है, जो कि काफी लोगों को पसंद भी आया था। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें बॉडी थोड़ा मॉन्की की तरह होता है, और बाल भी चेंज हो जाते हैं, साथ ही साथ एक लंबी रेड कलर की टेल भी होती है। सुपर सैयन 4 को गोकू ने हासिल ऐसे किया था कि पहले वो ड्रैगन बॉल GT में सुप्रीम काई के प्लेनेट पे जाके एल्डर काई से अपनी बची हुई कटी हुई पूंछ को बाहर निकलवाता है, और फिर वो अपने को ग्रेट एप में बदलता है, फिर उसके बाद गोल्डन एप में, और उसके बाद वो अपने को कंट्रोल करता है, फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 4 में। तो बेसिकली सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म होने के लिए पहले तो टेल का होना बहुत ही जरूरी है, और उसके बाद ग्रेट एप में बदल के गोल्डन एप में इवॉल्व होके अपने को कंट्रोल करना होता है, तब जाके सुपर सैयन 4 को अचीव किया जा सकता है। और ये फॉर्म एनर्जी भी कम लेती है, और साथ ही साथ बहुत ही पावरफुल होती है। और ये गोकू ने फॉर्म तब यूज किया था जब उसका फाइट बेबी वेजिटा से होता है, तब वो इस सुपर सैयन 4 को अनलॉक करता है। और ये फॉर्म सुपर सैयन 3 से अगर कंपेयर करे तो ये सुपर सैयन 3 से 10 गुना पावरफुल होती है। इवन गोकू अपना 10X कामेहामेहा यूज करता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। पावरफुल होने के साथ साथ इसका रेंज इतना लंबा होता है कि गोकू अर्थ से रहते हुए वो बेबी को, जो कि ड्रैगन बॉल GT का विलन था, वो उसको सीधा सन के अंदर दे मारता है। अब हम आते हैं गोकू के नेक्स्ट फॉर्म पे, जो कि है सुपर सैयन गॉड। और गोकू ने ये फॉर्म 5 सैयन्स के मदद से हासिल की थी, और उसकी गॉड की अनलॉक हो जाती है, जिससे वो सुपर सैयन गॉड फॉर्म को अचीव करता है। और ये फॉर्म सुपर सैयन 3 से मच स्ट्रॉन्गर है, और ये की भी बहुत ही कम लेती है, और साथ ही साथ मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाती है। और ये फॉर्म बीरस के 60% ताकत जितनी पावरफुल है, क्योंकि बीरस ने ही एंड में बताया था कि उसने गोकू से लड़ते वक्त अपना 60% पावर यूज किया था। इस फॉर्म में उसने बीरस को भी टक्कर दी थी। और अगर इस फॉर्म की बात करें तो इस फॉर्म में गोकू का हेयर बेस फॉर्म की तरह होता
होता है और हेयर का कलर रेड हो जाता है, आईब्रोज भी रेड हो जाती है और आसपास का ऑरा रेड फ्लेम कलर का हो जाता है। गोकू ने जब इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था तो वो इसको ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन एंड में जब बीरस अपना बॉल फेंकता है जिससे वो अर्थ भी तबाह हो सकती थी, तभी गोकू सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके वो बीरस के बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और अर्थ को बचा लेता है। अब हम आते हैं गोकू के नेक्स्ट फॉर्म पे जो कि है सुपर सैयन गॉड। गोकू ने फॉर्म अपनी सुपर सैयन को गॉड की के साथ मिक्स करके अचीव की थी और इसमें ऑरा ब्लू कलर का हो जाता है और इस फॉर्म में पावर तो बहुत ज्यादा तो बढ़ जाती है लेकिन स्टेमिना भी बहुत ही ज्यादा ड्रेन करती है और इस फॉर्म में गोकू ने गोल्डन फ्रीजा को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। अब हम आते हैं गोकू के नेक्स्ट फॉर्म पे जो कि है सुपर सैयन ब्लू कायोकेन टाइम्स 10। गोकू ने यह फॉर्म तब अचीव की थी जब उसकी फाइट यूनिवर्स 6 के स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन हिट से हुई थी, जहां हिट अपने टाइम स्किप एबिलिटी से गोकू के मूवमेंट होने से पहले उसको काउंटर कर देता है और गोकू भी उसकी इस टाइम स्किप की टेक्निक के वजह से उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि हिट की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी, इतनी थी कि गोकू कुछ रिएक्ट करता इतने में हिट उसकी पिटाई कर देता था। लेकिन जब हिट का वार गोकू पे भारी पड़ने लगा तो गोकू ने कायोकेन को सुपर सैयन ब्लू के साथ मिक्स कर दिया था जिससे उसकी ताकत और स्पीड 10 गुना ज्यादा बढ़ गई सुपर सैयन ब्लू से और ये सुपर सैयन ब्लू कायोकेन टाइम्स 10 इतनी पावरफुल थी कि वो हिट की वो टाइम स्किप की टेक्निक को काउंटर करने लग गया था और गोकू उसकी हर टेक्निक को काउंटर करता जा रहा था और हिट की पिटाई भी लगाने लगता है। लेकिन गोकू ने जब इस फॉर्म को हद से ज्यादा पुश कर दिया था तो गोकू का पूरा बॉडी सुन्न हो जाता है और वो हिल भी नहीं पाता। अब हम आते हैं गोकू की नेक्स्ट फॉर्म पे जो कि परफेक्टेड सुपर सैयन ब्लू। तो ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में जब उसका फाइट फ्यूज जमासू से होता है तो जैसे आपको पता है कि सुपर सैयन ब्लू बहुत ही ज्यादा स्टेमिना लेती है तो गोकू ने अपनी इस फॉर्म को और ट्रेन किया था और इसको मास्टर कर लिया था। वो ऐसे मैं बताता हूँ, तो गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म की को अपने अंदर होल्ड करके उसको कॉन्सेंट्रेट करता है जिससे ये फॉर्म फुल पोटेंशियल पे यूज हो और स्टेमिना और की भी कंट्रोल रहे और ना ज्यादा खर्च हो। और ये फॉर्म इतनी पावरफुल होती है कि एक तो वो फ्यूज जमासू को टक्कर दे रहा था और गोकू ने इस फॉर्म में हकाई भी यूज किया था जमासू पे जो कि काफी हद तक जमासू पे काम भी किया था। अब हम आते हैं गोकू की नेक्स्ट फॉर्म पे जो कि है इम्परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट या हम कहें अल्ट्रा इंस्टेंट ओमेन। ये फॉर्म जब नई नई आई थी तो मानो भाइयों इस फॉर्म ने पूरा इंटरनेट हिला के रख दिया था। गोकू ने फॉर्म को अपनी लिमिट्स को ब्रेक करके हासिल किया था और ये फॉर्म बहुत ही पावरफुल फॉर्म है और मुश्किल भी क्योंकि गॉड्स और डिस्ट्रक्शंस भी इसको अब तक ढंग से अचीव नहीं कर पाए और ये फॉर्म जीरन को काफी हद तक टक्कर दे रही थी। इस फॉर्म में गोकू बिना सोचे समझे सारे अटैक्स को उसकी बॉडी अपने आप ही काउंटर कर रही थी और ये फॉर्म ऑफेंसिव कम लेकिन डिफेंसिव ज्यादा होती है और ये फॉर्म अटैक को काउंटर करने के लिए ज्यादा अच्छी होती है और अटैकिंग के लिए कम अच्छी होती है और इस फॉर्म में गोकू की ऑरा ब्लू फ्लेम कलर जैसी होती है और आइस थोड़ी सी सिल्वर टाइप की होती है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि गोकू की इस फाइट में जीरन से जब होती है तो इसमें हमें अटैकिंग साइड कम लेकिन डिफेंसिव साइड ज्यादा मिलता है। अब हम आते हैं गोकू की नेक्स्ट फॉर्म पे जो कि है मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट। गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट एंजल लेवल की है या हम कहें उनके लेवल के करीब है और इसमें गोकू का डिफेंसिव और ऑफेंसिव साइड दोनों बेहतर होते हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा इस फॉर्म में वो जीरन को पूरा सरपास कर देता है, वो इवन जीरन की फुल पावर को भी सरपास कर देता है और इसमें अगर आपने देखा होगा इसकी अटैकिंग साइड कितनी बेहतरीन थी और उसने जीरन को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। इस फॉर्म में गोकू के बाल पूरे व्हाइट हो जाते हैं और साथ ही साथ आईब्रो भी और ऑरा व्हाइट कलर की होती है लेकिन गोकू की बॉडी उसको झेल नहीं पाती क्योंकि गोकू की बॉडी ने फर्स्ट टाइम एक एंजल लेवल की ताकत को एक्सपीरियंस किया था। अब हम आते हैं गोकू की नेक्स्ट फॉर्म पे जो कि है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट ओमेन साइन। इस फॉर्म को गोकू ने मोरो आर्क में यूज की थी जब उसका फाइट मोरो से होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि गोकू ने जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में अल्ट्रा इंस्टेंट और मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट यूज किया था तो वेजिटा उससे पूछता है कि आखिर कैसे तुमने उस अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हुए थे। लेकिन गोकू भूल जाता है कि उसको नहीं पता कि वो कैसे अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हुआ था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट साइन ओमेन फॉर्म में
गोकू जब चाहे तब वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इस फॉर्म को गोकू ने फॉलन एंजल मिरस से सीखा था और इस फॉर्म में वो मोरो को अच्छे से टक्कर दे रहा होता है। लेकिन इस अल्ट्रा इंस्टेंट का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका डिफेंसिव साइड तो अच्छा होता है, लेकिन इसका अटैकिंग साइड इतना अच्छा नहीं होता, इसी कारण वो मोरो से हारा जाता है। इवन मोरो जब 73 के साथ जब फ्यूज हो जाता है तब गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट साइन मोरो को टच नहीं कर पाती है। अब हम आते हैं गोकू के नेक्स्ट फॉर्म पे, जो कि है कंप्लीटेड अल्ट्रा इंस्टेंट, जिसमें गोकू अपनी इस व्हाइट हेड वाली अल्ट्रा इंस्टेंट को भी जब चाहे तब वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और इसका डिफेंसिव साइड तो अच्छा होता है, लेकिन अटैकिंग साइड बहुत अच्छा होता है। और इस फॉर्म पे गोकू अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल करना सीख गया है। और गोकू ने फॉर्म जब अचीव की थी, जब फॉलन एंजल मिरस को मरता देख के गोकू को गुस्सा तो आता है, लेकिन उसको कंट्रोल करके इस फॉर्म को वो करता है। और इसी के साथ गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि अब वो इसे मास्टर कर लिया है। और वो 73 से फ्यूज्ड हुआ मोरो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता है, और गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में उसकी और पिटाई लगाता है। इवन जब मोरो मिरस की एबिलिटी को भी कॉपी कर लेता है, तब भी वो गोकू का कुछ नहीं कर पा रहा होता है। अब हम आते हैं गोकू के नेक्स्ट फॉर्म पे, जो कि है जायंट अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म। ये फॉर्म गोकू ने तब अचीव की थी जब मोरो अर्थ को एब्जॉर्ब करके एक जायंट सा बन जाता है, तो गोकू को एनर्जी की नीड होती है, तो उसको ऊप के जरिए गोकू को एनर्जी मिलती है। तो उसके बाद हमें गोकू का एक जायंट अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म देखने को मिलता है, और इस फॉर्म में गोकू मोरो को ओवरपावर्ड कर लेता है और उसको डिफीट भी कर लेता है। अब हम आते हैं गोकू के नेक्स्ट फॉर्म पे, जो कि है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट। मोरो को हराने के बाद गोकू जाता है विस के पास अपनी इस मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को परफेक्ट करने के लिए, और वो उसको विस के साथ ट्रेनिंग करके परफेक्ट भी कर लेता है। इस फॉर्म में गोकू परफेक्टली अल्ट्रा इंस्टेंट की ट्रू पावर्स को यूज करता है गर्नोला के क्लोन से लड़ने के लिए। गर्नोला के क्लोन्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, और गोकू इस फॉर्म में गर्नोला के क्लोन्स के हर अटैक को डॉज कर रहा होता है और गर्नोला के क्लोन्स को हरा देता है। लेकिन गर्नोला जब उसको बताता है कि उसने अभी तक अपनी आदि शक्तियां भी अभी तक यूज नहीं की है, और गर्नोला गोकू को बताता है कि जिससे तुम अभी लड़ रहे हो वो सिर्फ मेरे एक क्लोन्स हैं। गोकू ये देख के हैरान होता है और उसका वहाँ ध्यान भटक जाता है। लेकिन उससे पहले गोकू कुछ करता, असली वाला गर्नोला आता है और एकदम से गोकू के पंच मार देता है, और गोकू वहीं पे ढेर हो जाता है, और गर्नोला गोकू को ओवरपावर्ड कर देता है। और गर्नोला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, क्योंकि उसको विश मिला है शेनरॉन से कि वो सबसे ताकतवर हो जाए, लेकिन शेनरॉन बदले में उसकी बस 2 साल की लाइफ कर देता है। अब हम आते हैं गोकू की नेक्स्ट फॉर्म पे, जो कि है सुपर सैयन गॉड अल्ट्रा इंस्टेंट। ये फॉर्म को गोकू थोड़े वक्त के लिए गर्नोला पे यूज करता है। इस फॉर्म में गोकू अपनी सुपर सैयन गॉड को अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ मिक्स कर देता है, जिससे वो उसकी ये गॉड फॉर्म अलग ही लेवल की हो जाती है। इसमें गोकू आराम से गर्नोला के पावरफुल अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, और उसकी एनर्जी बहुत कम ड्रेन हो रही होती है, लेकिन उसको सही से न यूज करने के कारण गर्नोला इसको भी ओवरपावर्ड कर देता है। अब हम आते हैं गोकू के नेक्स्ट फॉर्म पे, जो कि है सुपर सैयन गॉड ब्लू अल्ट्रा इंस्टेंट। और दोस्तों, ये फॉर्म अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ अच्छे से काम तो कर रही होती है, लेकिन ये भी गर्नोला के सामने कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि गर्नोला इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका है। और गोकू के इस फॉर्म से हमें ये पता लगता है कि अल्ट्रा इंस्टेंट को किसी भी फॉर्म के साथ यूज किया जा सकता है। अब हम आते हैं गोकू की नेक्स्ट फॉर्म पे, जो कि है बेस अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म। तो जब गोकू परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हुआ था, उसने एक ये चीज नोट की थी कि अल्ट्रा इंस्टेंट एक फॉर्म के तरह है, अगर वो उसमें ट्रांसफॉर्म होगा तो उसकी स्टेमिना भी ज्यादा जाएगा। और वो ये सोचता है कि ये चीज एंजल के साथ नहीं है, जबकि वो हर वक्त अल्ट्रा इंस्टेंट के इसी स्टेट में रहते हैं। और विस गोकू को यही सिखा रहा होता है कि बेस फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टेंट कैसे यूज कर सकते हैं, और गोकू इसको सीख भी लेता है, लेकिन अभी तक वो इसको मास्टर नहीं कर पाया है। अब हम आते हैं गोकू के नेक्स्ट फॉर्म पे, जो कि है ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट। इस फॉर्म को हासिल करने के लिए गोकू एंजल्स के स्टाइल्स को कॉपी करता है, और जैसे कि आपको पता है सेंस की ताकत का राज इमोशंस हैं, तो वो इमोशंस को कम्प्लीटली कट कर देता है। तभी गोकू अपनी सारी फॉर्म्स के साथ अपने इमोशंस को फ्यूज करके वो बना
बनाता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को और वो इस फॉर्म में वो अपने इमोशन के साथ अल्ट्रा इंस्टेंट भी यूज कर पा रहा होता है और ये मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट से भी ताकतवर है और वो यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैस से भी लड़ पाता है और इसमें गोकू का पूरा फाइटिंग स्टाइल भी बदल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं गोकू अपने मुंह से एक की ब्लास्ट कर रहा होता है और उसके अंदर सेंस के इमोशंस के साथ साथ अल्ट्रा इंस्टेंट की भी ताकत आ गई है। अब हम आते हैं गोकू की नेक्स्ट फॉर्म पे जो कि भाई साहब बहुत ही लोग पूछते हैं और बहुत ही पॉपुलर है जो कि गोकू की सारी फॉर्म तो छोड़ो ग्रैंड प्रिंस से भी ज्यादा ताकतवर है या हम कहें जितना भी एनएवी यूनिवर्स है जैसे कि वन पंच जो भी आप कह लो वो उन सबसे भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे पता है दोस्तों कि ड्रिप गोकू एक फैन मेड है बट ये काफी फनी और पॉपुलर भी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ड्रिप गोकू की, ड्रिप गोकू ने सभी गॉड्स एंजल्स को डिफीट किया था इवन राइटर्स को भी वो भी अपनी 1% पावर यूज करके। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि गोकू ने दूसरे एनिमे यूनिवर्स में जा जाके जैसे कि वन पंच हो गए बहुत सारे जैसे आपने देखे होंगे नारुतो उस यूनिवर्स में जाके भी उन सबको हरा चुका है। तो दोस्तों ये बेसिकली हम कहेंगे कि ये मीम वर्स का ही करेक्टर है। तो दोस्तों ये थी गोकू की सारी फॉर्म्स। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपकी फेवरेट फॉर्म गोकू की कौन सी है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और दोस्तों इस वीडियो पे 2000 लाइक्स का एम जरूर पूरा करा देना अगर आप सच्चे ड्रैगन बॉल फैंस होंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना ताकि मैं ऐसे कमाल की चीजें लाता रहूं। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।